हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी बेटा एक्सरसाइज 7.6, दैट वाज योर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो उसी एक्सरसाइज को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपसे एक ही बात पे डिस्कस किया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, कि आपके पास डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो, डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो, और आपको अगर फंक्शन में पावर में एक्स दिखाई देता है या वाई, तो डेफिनेटली वहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आएगा ही आएगा। ओके, तो आई एम स्टार्टिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप इस फर्स्ट क्वेश्चन में ये देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई इसमें हमारे पास जो फंक्शन है उसमें कंफर्म में पावर में एक्स प्रेजेंट है, कंफर्म पावर में एक्स प्रेजेंट है, तो इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आएगा ही है। एक बात आप अच्छे से माइंड में फिक्स कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से, कि डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो, डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन, पावर में अगर x है या y है तो 100% लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप अप्लाई करेंगे। तो मुझे इसमें क्या दिखाई दिया, पावर में x दिखाई दिया, तो कंफर्म यहां लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आएगा। उससे पहले आप सब समझदार रूप में, जैसे हम ऐसे लिखते हैं a की पावर n और उसकी पावर n हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n, पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेफिनेटली इसको हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे y इज इक्वल टू x की पावर x के, अंडरस्टूड। ये ऐसे नहीं है जैसे आपने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन पढ़ा था x की पावर x इसकी पावर x, तो ये ऐसे है x की पावर x होल पावर x। तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो y इज इक्वल टू x की पावर x स्क्वायर, नो डाउट पावर में x दिखाई दे रहा है आपको, तो डेफिनेटली आप लॉग लेंगे। तो यहां पे अब हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लेंगे लॉग। तो यहां हो जाएगा बेटा लॉग y, इधर हमारे पास हो जाएगा लॉग x की पावर x स्क्वायर, दोनों साइड लोग क्यों लिया, क्लियर हो गया आपके माइंड में कि भाई यहां पे पावर में क्या प्रेजेंट हो, एक्स या वाई, तो डेफिनेटली आपको लोग अटेम्प्ट करना है। अब हम यहां लोग का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पावर, कि वी विल अप्लाई द फॉर्मूला लोग एम की पावर एम, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एन लोग एम, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम यहां पे। तो बिल्कुल आप यहां पे अप्लाई कीजिए, तो दिस विल बी योर लॉग वाई, दिस इज लॉग वाई, पावर फॉर्मूला कहता है पावर को आप आगे ला सकते हैं, तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो कल हमने क्वेश्चन में आपको ये बताया था कि जब तक पावर में से एक्स एलिमिनेट ना हो आप लॉग ले सकते हैं, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है सभी यहां तक। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन बाई वाई, वाई का डेरिवेटिव होगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एफ एक्स का क्या पढ़ते हैं हम लोग, वन बाई एफ एक्स, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो लोग वाई का क्या डेरिवेटिव होगा, वन बाई वाई, फिर किसका वाई का डी वाई बाई डी एक्स, तो लोग वाई वन बाई वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। इसका नो डाउट आप किससे करेंगे भाई, प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल भी एज यूजुअल इन ब्रैकेट, पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज, पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज, लोग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, फिर प्लस में हम कहेंगे भाई लोग एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x,
पहले x स्क्वायर एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, प्लस में log x एज इट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वो लिखेंगे. ओके, अब ये जो y है आपका, इसको आप यहां क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो यहां पे अब आप लिख सकते हैं 1. अब यहां किसकी वैल्यू पुट करेंगे आप, y की वैल्यू पुट अप करेंगे, दैट इज योर y, तो वो आप यहां पुट करेंगे. तो dy by dx की जो वैल्यू होगी आपके पास वो होगी बेटा x की पावर x स्क्वायर, एक पावर होगी कैंसिल, तो x, और प्लस में हो जाएगा 2x log x. तो ये है बेटा आपका इसका डेरिवेटिव. तो पहले तो इसको जो पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन था उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, कि ये आपको इस तरह से लिखा होता है भी a की पावर m उसकी पावर m, तो आप पावर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ये काम करना है. फिर नो डाउट आपको पावर में क्या दिखाई दे, x या y, तो डेफिनेटली आप वहां पे लोग लेंगे, लोग लीजिए, लोग का कौन सा फॉर्मूला लगा, पावर, नाउ डिफरेंशिएट. लास्ट में वैल्यू किसकी पुटअप करनी है, वापस वाई की वैल्यू पुटअप करनी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें भी आपको पावर में क्या दिखाई दे रहा है, एक्स या वाई, क्लियरली दिखाई दे रहा है एक्स. तो इसको सोल्व करने के हमारे पास है दो ऑप्शंस, हम दोनों ही बता रहे हैं आपको, जो आपको अच्छे से याद रहे वो याद रख सकते. पहली चीज जो हमने आपसे कही कि भाई कभी भी पावर में क्या दिखाई दे, एक्स या वाई, तो आप लोग ले सकते हैं, नो डाउट. तो पावर में एक्स दिखाई दे रहा है, नो डाउट आप लोग ले सकते हैं. तो ये हो गया बेटा वाई इज इक्वल टू 10 और उसकी पावर 10 और उसकी पावर एक्स, ये फंक्शन आपका ऐसे. नो डाउट मैं फिर कह रहा हूं बेटा, पावर में क्या दिखाई दे, एक्स या वाई, तो डेफिनेटली आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे. फिर मैंने आपसे एक बात कही थी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो ये भी आप माइंड में रखेंगे कि जब आप वहां पे लॉग ले रहे हैं तो क्या लॉग का फॉर्मूला कोई अप्लीकेबल है या नहीं है. ये नहीं कि भाई कुछ भी लिखा हो आपको तो बस पावर में एक्स या वाई दिखा दिया आपने लॉग ले लिया, ऐसा भी नहीं है. आप वहां पे देखिए क्या लोग का कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा. तो यहां अप्लीकेबल होता है तो दैट्स वाई हम लोग ले लेते हैं. ओके, तो यहां पावर में एक्स वाई दिखाई दे रहा है तो आप क्लियरली लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो यहां हम लिखेंगे भी लॉग वाई, लॉग वाई, इधर हमने लिखा भी लॉग 10 की पावर 10 और उसकी पावर एक्स. एक बात तो आप श्योर हो गए, पावर में एक्स या वाई हो तो लोग ले लें. बस हमें सोचना ही है कि जब हम वहां पे लोग लें तो लोग का कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल होना चाहिए वहां पे. तो यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल हो सकता है, पावर फॉर्म. अब नो डाउट क्या करेंगे कि आप इस पावर को आगे ला सकते हैं कंप्लीट. तो ये हुआ बेटा लोग वाई, तो इसमें पावर आगे आ जाएगी 10 की पावर एक्स, यहां क्या बन जाएगा log 10, दिस इज योर फर्स्ट. इसमें आप इस पावर को आगे ला सकते हैं 10 की पावर x, यहां क्या बन गया log 10. कल आपको बताया गया था भी, अब आप इसमें ये देखिए क्या स्टिल इसमें पावर में x प्रेजेंट है, बिल्कुल इसमें पावर में x प्रेजेंट है, अभी भी x प्रेजेंट है, तो दोबारा log लेंगे आप. तो हम यहां पे लिख देंगे टेकिंग log अगेन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log अगेन, दोबारा इसमें हम log लेंगे. तो जब हम इसमें दोबारा log लेंगे तो यहां क्या बनेगा बेटा, log ऑफ log y, इधर हमें मिलेगा भी log 10 की पावर x और इनटू क्या हो गया log 10. क्यों ले पा रहे हैं दोबारा लोग, क्लियर है कि भाई अभी भी पावर में क्या प्रेजेंट है, एक्स, अभी भी पावर में एक्स दिखाई दे रहा है. कल भी समझा था आपने क्वेश्चन,
तो अभी भी अगर पावर में x दिखाई दे रहा है तो अब फिर से आप log कंफर्म लेंगे। तो यहां हो गया log ऑफ log y, इसके आगे क्या लिखना है log। फिर आपसे बहुत बार बताया जाता है बेटा कभी भी अगर log आपके सामने होता है तो सबसे पहली चीज आप यही देखेंगे क्या वहां log का कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल है या नहीं। तो यहां पे इस नंबर में कंफर्म फॉर्मूला अप्लीकेबल है log mn। यहां कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं log mn, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। log mn आपका होता है बेटा log n और प्लस log n, log n प्लस log n, log m इंटू n, तो log n प्लस log n ये होता है। तो वो आप यहां पर लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा log ऑफ log y, विच फॉर्मूला यू आर अप्लाइंग log mn, तो log m तो log 10 की पावर x प्लस log n तो log ऑफ log 10, log ऑफ log 10, क्लियर। log ऑफ log y यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया आपने log mn, तो log m प्लस log n। अब आप ये सोचिए कि यहां कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं पावर, यहां पे आप इस x पावर को आगे ला सकते हैं तो ये क्या बन गया x log 10। क्लियर है सभी, यहां पे है log 10 की पावर x, तो पावर फॉर्मूला कहता है भी पावर को आगे ले तो x पावर आगे ले। क्लियर, अब हम इसको क्या करेंगे बेटा डिफरेंशिएट, कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट। तो पहला वर्ड क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसको हम पढ़ेंगे एफ एक्स। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड लोग, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप एफ एक्स, लोग एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एफ एक्स, log fx 1 by fx। बेटा ये x y है भाई, आपसे बोला गया है 7.5 में x और y किसके है, x और y हो तो दे आर नॉट कॉन्स्टेंट, दे आर वेरिएबल्स, y x का फंक्शन होता है। तो log fx 1 by fx, फिर किसका डेरिवेटिव fx का, तो log y का क्या डेरिवेटिव होता है 1 by y, और y का क्या डेरिवेटिव होता है dy by dx। log fx 1 by fx, फिर इस fx का log y का डेरिवेटिव 1 by y और y का dy by dx। क्लियर है सर, x का क्या डेरिवेटिव होगा 1, तो ये नंबर क्या है प्योर कांस्टेंट log 10, log 10 कांस्टेंट है, तो x का क्या डेरिवेटिव हुआ 1, तो इधर सिर्फ क्या बचेगा बेटा log 10। क्या इसमें कोई x या y प्रेजेंट है, क्या इस नंबर में कोई x या y प्रेजेंट है, नहीं है, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव जीरो, कि इसमें जब कोई x और y है ही नहीं बेटा तो व्हाट इज द डेरिवेटिव जीरो, तो उसका डेरिवेटिव हो गया जीरो, तो आपके पास ये नंबर बचा। ओके, अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके सामने y है और जो log y है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से जो dy by dx की वैल्यू बचेगी वो आपको मिलेगी भी y इंटू log y और इंटू log a, ये वैल्यू मिलेगी बेटा। तो यहां किसकी वैल्यू लिखेंगे y की, दिस वन 10 की पावर 10 उसकी पावर x, जो आपका ये y है, इंटू में आप किसकी वैल्यू लिखेंगे log y की फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो फिर 10 की पावर x इंटू log 10 और फिर इंटू में क्या बचा हुआ है आपके पास log 10, ये है बेटा इसका। तो नो डाउट आपको पावर में x या y दिखाई दे आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सोचिए, ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब आप सोचे वहां पे तो ये बात जरूर माइंड में रखेंगे कि जब हम वहां पे log लें तो log का कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल होना चाहिए,
ठीक है, ये नहीं कि हर एक पे आप अप्लाई करते हैं, तो इसमें आप लोग ले सकते हैं क्योंकि पावर में एक्स दिखाई दे रहा है। और फिर ध्यान रखिए भी जब तक पावर में से एक्स नहीं हटाएंगे हम फिर लोग ले लेंगे, आफ्टर दैट वी विल डिफरेंशिएट। लास्ट में हम वैल्यू पुट करेंगे वाई की और किसकी, लॉग वाई की, तो लॉग वाई की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ये था इसका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है बेटा जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट भी लिख सकता था इसका। सेकेंड क्वेश्चन का दूसरा मेथड लिखते हैं सॉल्यूशन कि भाई y इज इक्वल टू 10 की पावर 10 और उसकी पावर x, तो हम इसको चाहे तो डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या डेरिवेटिव होगा, dy by dx, y का डेरिवेटिव dy by dx। अब देखिए आप इसको अगर पढ़ें, सेकेंड मेथड है बेटा, फर्स्ट भी कर सकते हैं, ये भी सोच सकते हैं, ये बिल्कुल जिसको फॉर्मूले याद है, कॉन्सेप्ट याद है, वो सिर्फ एक लाइन में लिख सकता है। विच टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस, कौन सा फंक्शन मान सकते हैं आप इसको, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल कि भाई बेस में आपका e हो या कोई एक नंबर हो बेस में, यहां पे या तो e हो बेस में या कोई नंबर हो और पावर में x हो, तो आप एक्सपोनेंशियल ट्रीट करेंगे। तो आपसे सिखाया गया था कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है ना, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होगा, सिखाई थी आपके लिए। फिर दो बातें पढ़नी थी, व्हाट इज द बेस 10, फिर इसके बेस का लोग तो लोग 10, फिर किसका डेरिवेटिव पावर का, तो डेरिवेटिव ऑफ 10 की पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल में मैंने यही सिखाया था बेटा कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमेशा एक्सपोनेंशियल ही रहेगा, फिर जो उसका बेस है उसका लोग, बेस का लोग, और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव। तो अब ये हमारे पास रहेगा 10 की पावर 10 और उसकी पावर x, इनटू में क्या हो गया भाई लोग 10। विच फंक्शन इज दिस, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही रहेगा, स्टिल इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल रहेगा। व्हाट इज द बेस 10, तो log 10, फिर किसका डेरिवेटिव पावर का, तो व्हाट इज द पावर x, तो x का क्या डेरिवेटिव बेटा 1, तो दिस इज योर आंसर। तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, जो इसका बेस है उसका log, तो log 10, फिर किसका पावर का, फिर ये एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल, बेस का log, पावर का डेरिवेटिव, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। थर्ड क्वेश्चन, तो नो डाउट अब आपको क्लियर हो गया है कि भाई हम हर क्वेश्चन में क्या कहना चाहते हैं कि पावर में एक्स दिखाई दिया आप लोग लेंगे, माइंड में आएगा लोग इतने डिफ्रेंशिएशन, बस एक बार रुक के आप ये सोचे क्या यहां पे डायरेक्ट लोग ले लें या नहीं, है ना, कि ये नहीं भी हमें पावर में एक्स या वाई दिखाई दिया हमें बस लोग, ऐसा नहीं बेटा, आराम से रुक के सोचो, ये बात कंफर्म है कि एक्स हो गया पावर में तो लोग आएगा, बस एक बार रुक के ये सोचिए कि जब हम यहां पे लोग लें तो क्या लोग का कोई फॉर्मूला लग सकता है, लगेगा पावर फॉर्मूला, तो आप लोग लिखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन दिस वन, तो आप इसमें पहले लिख लीजिए भाई टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स, इसमें जब हम लोग लेंगे तो ये क्या हो गया बेटा लोग वाई, इधर हमारे पास रहेगा भाई लोग साइन एक्स और उसकी पावर में क्या हो गया कोस इनवर्स एक्स, क्लियर। विच फॉर्मूला ऑफ लोग यू कैन अप्लाई है, पावर फॉर्मूला, इस पावर को आप आगे ला सकते हैं, तो दिस विल बी योर लोग वाई, इधर हमें मिलेगा भी कोस इनवर्स एक्स,
पावर आगे आ गई और यहां क्या मिलेगा, लॉग साइंस क्लियर हो सभी हो। पावर में एक्स या वाई दिखाई दे, लॉग लेंगे। बस एक बार रुक के सोचना कि जब हम यहां पे लॉग ले तो कोई फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा, ये जरूर है। तो लगेगा तो आप लॉग ले लीजिए पावर आगे। नाउ डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग वाई का क्या डेरिवेटिव होता है बेटा, वन बाई वाई, और वाई का डीवाई बाई डीएक्स। लॉग वाई का डेरिवेटिव वन बाई वाई, वाई का डीवाई बाई डीएक्स। इसका हम डेफिनेटली करेंगे भाई प्रोडक्ट ब्रैकेट, पहले कोस इनवर्स एक्स एज इट इज, कोस इनवर्स एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आराम से पढ़े यहां, पहले कोस इनवर्स एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, लॉग, लॉग एफ एक्स, तो लॉग एफ एक्स वन बाई एफ एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव इस एफ एक्स का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, फिर प्लस में हम कहेंगे भी लॉग साइन एक्स एज इट इज। से पढ़े बेटा, पहले ये है चीज लिख दी, इसका क्या डेरिवेटिव, तो लॉग एफ एक्स वन बाई एफ एक्स, फिर किसका एफ एक्स का, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कोस एक्स, फिर अब ये एज इट इज लॉग साइन एक्स, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन बाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स टी। लास्ट टाइम फिर कह रहा हूं बेटा कि आपको टिग्नोमेट्री के फॉर्मुले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मुले टिप्स पे होने चाहिए आपको, नहीं तो नेक्स्ट टू और थ्री चैप्टर्स में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वाई को इधर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और अब हम यहां पे वाई की वैल्यू क्या कर देंगे, तो व्हाट वाज योर वाई, साइन एक्स की पावर कोस इनवर्स एक्स, वो वाई बेटा आप यहां पे कि इस वाई की वैल्यू आप यहां, दैट विल बी योर उस, और आप ये भी लिख सकते हैं व्हाट इज कोस एक्स बाई साइन एक्स कोट एक्स, आप लिखना चाहें तो, अदरवाइज ये वाई यहां पुट कीजिए आपको मिल गया डिवाइड बाय एक्स। ओके, अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते जाएंगे, तो वो अपना ध्यान से सुनते रहेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे अब आप हर क्वेश्चन को। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपसे पढ़ाए गए अगर वो आप आराम से सुनते हैं तो नो डाउट आपकी ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ओके, आपके सामने ये वाई है, नो डाउट आपको यहां पावर्स में एक्स दिखाई दे रहा है, तो आपके माइंड में आएगा हम लॉग लेते हैं, बहुत ध्यान से सुने, हां पावर में आपको एक्स दिखाई दे रहा है, तो हमने भाई बार बार ये कह रहे हैं पावर में एक्स या वाई हो लॉग आएगा, तो यहां लॉग आएगा कन्फर्म। अब आप रुक के ये सोचो एक बार ठंडे दिमाग से, अगर मैं यहां लॉग लेता हूं तो क्या यहां लॉग का कोई फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि लॉग का आपने कभी ऐसे फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, लॉग एम प्लस एन, लॉग एम माइनस एन, तो आप ये नहीं कि भाई यहां पे तो पावर लग जाएगा, बेटा उससे पहले अगर आप इसको लॉग लेंगे तो एक बार तो ऐसे लिखोगे ना आप, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स और प्लस ए की पावर एक्स। सपोज करो आप में से अंधाधुंध हमें ये हो गया भाई कि हमें तो पावर में एक्स या वाई दिखा, हमें तो लॉग लेना है, तो सपोज करो आपने किसी ने लॉग ले भी दिया तो लॉग वाई, यहां लॉग हो गया, तो अब आप ठंडे दिमाग से खुद सोचिए क्या यहां पावर फॉर्मूला लगा सकते हो, आप ठंडे दिमाग से सोचिए नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां तो सम है भी, और लॉग का एम प्लस एन एम माइनस एन ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं, हमने फॉर्मूला पढ़ा लॉग एम एन,
लोग एम बाई एन, लोग एम की पावर है। तो कंफर्म यहां लोग का कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, ये बात श्योर है। तो आप ध्यान से सुनिए, क्लियर हो गए क्यों लोग नहीं ले पा रहे डायरेक्ट हम? क्यों नहीं ले पा रहे लोग डायरेक्ट? क्योंकि यहां पे वाई सम में है और लोग का सम डिफरेंस कोई फॉर्मूला नहीं है। तो कैसे करेंगे? ये बात तो कंफर्म है लोग से ही होगी। तो आप बेटा ध्यान से सुने कि अब हम इसमें करेंगे कि जो आपके पास x की पावर x है उसको हम लिख देंगे भी u के इक्वल, कि u इज इक्वल टू x की पावर x। जो a की पावर x है उसको हम लिख देंगे v के इक्वल, इसको v के इक्वल, और जो a की पावर a है उसको हम लिख देंगे w के इक्वल। बहुत ध्यान से सुनने वाले बात, ये क्लियर हो गया कि डायरेक्ट लोग क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां वाई सम में है, क्लियर? तो सम में है तो लोग का सम का कोई फॉर्मूला नहीं पड़ते, डिफरेंस का कोई फॉर्मूला नहीं पड़ता, तो यहां डायरेक्ट लोग नहीं आएगा। और जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट लोग ना आए आपको इसको मान लेना यू वी डब्ल्यू अलग लिखना। तो बताइए इसको क्या लिखा आपने, यू इसको वी और इसको डब्ल्यू, तो वाई इसके इक्वल हो गया बेटा यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। अब आप लोगों को क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना होता है, डीवाई बाई डी एक्स। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो आप, तो फिर वाई का क्या डेरिवेटिव हो गया, डीवाई बाई डी एक्स। यू का क्या डेरिवेटिव हो गया, डी यू बाई डी एक्स। प्लस में वी का क्या डेरिवेटिव हो गया, डी वी बाई डी एक्स। और प्लस में डब्ल्यू का क्या डेरिवेटिव हो गया, डी डब्ल्यू बाई डी। This is your equation first. बेटा find out क्या करना होता है हमें last में, dy by dx ही find करना होता है ना last में, तो इसको differentiate कर दो x के respect, ये लिख लीजिए। अब first of all हम ये लिखते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन की, पहली बात क्लियर होगी सबको डायरेक्ट लोग क्यों नहीं लिया, बार बार कह रहे हैं तो बेटा इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार, क्लियर? डायरेक्ट लोग क्यों नहीं है, जब डायरेक्ट लोग नहीं ले पाए तो आपको ये एडेप्टेशन करना। अब आप ये देखिए कि यहां पावर में एक्स है तो क्या यहां लोग लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो अब हम यहां लिख देंगे टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स, यू का कॉन्सेप्ट करें पहले, टेकिंग लोग इसमें। तो यहां जब लोग लेंगे तो यहां क्या हो गया, अभी लोग यू यहां हो जाएगा, फिर लोग एक्स की पावर एक्स, लोग लेंगे यहां पे लोग यू, यहां हो गया लोग एक्स की पावर एक्स। अब यहां कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, पावर फॉर्मूला। तो ये हो गया बेटा आपके पास लोग यू, इधर क्या हो गया भैया एक्स लोग एक्स, एक्स लोग एक्स। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, डी यू बाई डी एक्स, पहला वर्ड डी यू बाई डी एक्स। तो अब हम इसको क्या करेंगे भैया, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट। अब आपके किसी के माइंड में ये बात भी आ सकती है कि भाई लोग यू का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई एक्स वाई है ही नहीं। तो बेटा आप सोचिए कि भाई यू किसका फंक्शन है, एक्स का, तो दैट इज ए वेरिएबल। भाई यू आपने इसके इक्वल लिखा है तो यू कंफर्म किसका फंक्शन हुआ, एक्स का ही फंक्शन हुआ ना यू, तो वो कॉन्स्टेंट कहां से हो गया, वो तो वेरिएबल हो गया। तो अंधाधुन ये नहीं सोचना भी इसमें तो एक्स वाई है ही, डेरिवेटिव जीरो। तो भाई खुद सोचो, आपने पहला वर्ड क्या लिखा, डी यू वाई डी एक्स, तो यू तो एक्स का फंक्शन है ही अभी, तो ये गलती नहीं करेंगे कि यू लॉग यू का जीरो लिख देंगे। तो लॉग यू का डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाई यू, लॉग यू का वन बाई यू, फिर किसका, यू का, किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट, डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है बात, कि भाई लोग यू का वन बाई यू, यू का डी यू बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव नो डाउट किससे करेंगे आप, प्रोडक्ट रूल, तो ब्रैकेट,
पहले x है दैट इज log x का भी 1 by x, फिर प्लस में हम कहेंगे भी log x है दैट इज किसका डेरिवेटिव x का 1, ये पहले x है दैट इज log x का डेरिवेटिव 1 by x, फिर प्लस में log x है दैट इज x का डेरिवेटिव 1, x से x कैंसिल, इस u को यहां पे क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो u यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां किसकी वैल्यू लिख देंगे u की x की पावर x, तो व्हाट विल बी योर du बाय dx, तो du बाय dx हो गया बेटा x की पावर x और इनटू 1 प्लस log x। अब इस du बाय dx को भैया आप यहां लिखते हैं, तो dy बाय dx दिस इज इक्वल्स टू योर x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब क्या फाइंड करेंगे आप dv बाई dx, तो अब आप ये बताओ क्या इस v में आपको log लेने की जरूरत है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चाहे तो log लेके कर दीजिए बेटा, प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि आपको बोला गया कि पावर में x या y हो आप लोग लेंगे, तो आप लोग लेके कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको डायरेक्ट याद है कि एक ऐसा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसको हम आपसे कहेंगे भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, तो v का क्या डेरिवेटिव dv / dx, कैसा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही रहेगा, व्हाट इज द बेस a, तो क्या लिखेंगे भी log a, फिर किसका डेरिवेटिव पावर का 1, तो प्लस में क्या हो गया बेटा a की पावर x log dv / dx। अब आप क्या निकालेंगे dw / dx, तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएटिंग w विद रिस्पेक्ट टू x, आप ये देखो क्या इस W में कोई X प्रेजेंट है, ध्यान से देखिए नहीं है, तो व्हाट इज dW / dx जीरो, तो प्लस में जीरो, बेटा जब इसमें कोई X है ही नहीं तो व्हाट इज द डेरिवेटिव जीरो, भी आप डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो X के रेस्पेक्ट, और इसमें कोई X है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन से हम सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं कि भाई कभी भी पावर में एक्स या वाई आता है तो आप वहां पे कंफर्म लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सोचेंगे, ठीक है, बस हमें रुक के एक बार ये सोचना है कि वहां पे डायरेक्ट लॉग लें या ना लें। अभी तक जो क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें डायरेक्ट लॉग ले रहे थे, हम क्यों ले रहे थे, क्योंकि वहां लॉग का पावर फॉर्मूला लग रहा था सब, यहां लोग डायरेक्ट क्यों नहीं ले पाए क्योंकि भाई लोग का कोई सम का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो इसका वजह से हम यहां डायरेक्ट लोग नहीं ले पाए। अब जिसमें डायरेक्ट लोग नहीं ले पाओ आप, तो उसमें आप यू वी डब्ल्यू मान के सोल्व आउट कीजिए इस तरह से, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी के बिहाफ पे फिफ्थ क्वेश्चन आज का, वो सुनो फिफ्थ, जैसे हमने ये लिखा y इज इक्वल टू x की पावर साइन x और प्लस में साइन इनवर्स रूट x, इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज योर सिक्स्थ, कि भाई y इज इक्वल टू x की पावर cos x इंटू cos x की पावर x, फिर बेटा सेवन क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर टेन एक्स, साइन एक्स की पावर टेन एक्स प्लस कोस एक्स की पावर सीकेंट एक्स, कोस एक्स की पावर सीकेंट एक्स, तो ये क्वेश्चन पढ़िए बेटा ध्यान से। जब आप ये तीन चार क्वेश्चन पढ़ लेंगे आराम से, तो इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन इसी लॉजिक्स के, ओके। तो पहला क्वेश्चन है बेटा,
फिफ्थ क्वेश्चन में जब आपने देखा ध्यान से तो हमें यहां पावर में एक्स दिखाई दिया। तो मैं कह चुका हूं आपसे कि भाई कभी भी लाइफ में पावर में एक्स या वाई दिखाई दे और क्वेश्चन किसका हो, डिफरेंशिएशन का, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा। तो पावर में एक्स दिखाई दे रहा है तो कंफर्म लोग आएगा। तो अब आप आराम से सोचिए क्या यहां लोग डायरेक्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पे सम है। ओके, तो इसमें वही काम करना कि भाई लेट कि जो u है उसको किसके इक्वल लिखना है, x की पावर साइन x, और v अब आप लिख देंगे कि दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, तो अब आप ये बताइए कि आपके पास y किसके इक्वल बनेगा, u प्लस वी? हम से पढ़िए बेटा, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि भाई यहां पावर में x या y दिखाई दे रहा है। देखिए आप ध्यान से देखिए, पावर में x दिखाई दे रहा है बिल्कुल, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आएगा। अब आराम से रुक के ये सोचो क्या यहां लोग डायरेक्ट आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता लोग डायरेक्ट? क्योंकि यहां पे सम है। क्लियर? सम है तो लॉग एम प्लस एन, लॉग एम प्लस एन कोई फॉर्मूला है तो डायरेक्ट लोग नहीं आएगा। अब डायरेक्ट लोग नहीं आएगा तो इसको यू मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, वी। तो वाई किसके इक्वल हो गया, यू प्लस वी। क्लियर? अब आपको फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी होती है, डीवाई बाई डी एक्स। तो अब आप इसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का क्या डेरिवेटिव होगा बेटा, डीवाई बाई डी एक्स। यू का क्या डेरिवेटिव होगा, डी यू बाई डी एक्स। और प्लस में वी का क्या डेरिवेटिव होगा, डी वी बाई डी एक्स। फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट क्या करना होता है लास्ट में, डीवाई बाई डी एक्स। तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट, डीवाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी। अब आप इसका पहला वर्ड आप क्या फाइंड करना चाहेंगे, डी यू बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट। तो आप ये सोचिए क्या यहां पावर में एक्स प्रेजेंट है? बिल्कुल है। तो क्या यहां पे लोग ले सकते हैं? हम ले सकते हैं अभी। क्यों? क्योंकि यहां लोग का पावर फॉर्मूला लग सकता है, तो लोग ले रहे हैं आप इसमें बोथ साइड्स। तो पहले हम इसमें लिखेंगे भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहां पे हम लॉग ले लेते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो जब यहां पे लॉग लेंगे तो ये क्या हो गया बेटा, लॉग इन। यहां हो गया भी लॉग एक्स की पावर क्या हो गई, साइन। क्लियर हो रहे हो? यहां पावर में एक्स दिखाई दे रहा है तो क्या यहां लोग ले सकते हैं आप डायरेक्ट? बिल्कुल ले सकते हैं अभी लोग डायरेक्ट। क्यों ले सकते हैं लोग डायरेक्ट? क्योंकि यहां लोग का पावर फॉर्मूला लग सकता है। अब लोग का पावर फॉर्मूला कहता है कि साइन एक्स जो आपकी पावर है उसको आप आगे ला सकते हैं, तो पावर आगे आ गई तो साइन एक्स लोग। फाइंड आउट क्या करना चाहते हो, डी यू बाई डी एक्स। तो इसको किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना चाहेंगे आप, एक्स के रेस्पेक्ट। तो अब हम इसको लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कि अब आप इसको एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो। तो लॉग यू का क्या डेरिवेटिव होगा, वन बाई यू, और यू का क्या हो गया, डी यू बाई डी एक्स। लॉग यू का वन बाई यू, यू का डी यू बाई डी एक्स। इसका किससे करना चाहेंगे आप, प्रोडक्ट रूल से। तो ब्रैकेट, प्रोडक्ट रूल जब भी सोचे मैं कह चुका हूं बेटा ब्रैकेट जरूर लगाना है। तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि पहले साइन एक्स है दिस, लॉग एक्स का वन बाई एक्स, फिर प्लस में लॉग एक्स है दिस, साइन एक्स का भी कोस एक्स, इनटू में लिखना है यहां पर कि पहले साइन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का वन बाई एक्स, प्लस लॉग एक्स एज इट इज, साइन एक्स का कोस एक्स। प्रोडक्ट इसको छोड़ दीजिए, इसका डेरिवेटिव, प्लस इसको छोड़िए इसका डेरिवेटिव। अब आप इस यू को यहां पे क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहां किसकी वैल्यू पुटअप कीजिए, यू की, एक्स की पावर साइन एक्स। तो वो बेटा यू यहां पे पुट कीजिए,
एक्स की पावर साइन एक्स। अब ये बताइए कि ये किसकी वैल्यू है, du by dx। तो इस du by dx को आप यहां पुट कीजिए, कर देंगे आप कि du by dx को अपना यहां पुट कर दीजिए। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड dv by dx। तो ध्यान से सुनिए, इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो क्या इसमें कोई पावर में x या y वाला मुद्दा है? नहीं है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे हम इसको। पहले ये बात क्लियर हुई बेटा, ध्यान से du by dx अपना यहां लिख देंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख देंगे यहां पे। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड dv by dx। तो क्या इसमें कोई पावर में x या y है? नहीं है ना, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको। तो हम सीधा लिख देंगे भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, किसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे हम। तो बेटा v का क्या डेरिवेटिव हो गया dv by dx, v का डेरिवेटिव dv by dx। What is the first word? साइन इनवर्स। तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, एफ एक्स। What is the first word? साइन इनवर्स। तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, एफ एक्स। तो साइन इनवर्स एफ एक्स वन बाई रूट ऑफ वन माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर एक्स, फिर किसका डेरिवेटिव, एफ एक्स का, तो रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स। और इस dv by dx को बेटा अपना यहां लिख दीजिए, तो ये du by dx यहां लिख दीजिए प्लस में dv by dx लिख दीजिए, व्हाट विल यू गेट योर dy by dx। क्लियर, क्योंकि साइन इनवर्स एफ एक्स वन बाई रूट ऑफ वन माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव एफ एक्स का, तो रूट एक्स का डायरेक्ट याद रख लो अब आप, वन बाई टू रूट एक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन। तो सेवन दिखा है, पहले ये पढ़ते हैं। तो सेवन्थ में आप देख रहे हैं कि यहां भी पावर में x है कंफर्म, बहुत ध्यान से देखिए, यहां भी पावर में हमें x दिखाई दे रहा है, नो डाउट। तो क्या यहां पे लोग आएगा, ये क्वेश्चन होगा किससे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से होना है, श्योर है ये वर्ड, कि पावर में जब x दिखाई देगा तो वहां लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आएगा ही आएगा। अब आप ये सोचो कि यहां पे क्या यहां लोग डायरेक्ट आएगा, बेटा मुद्दा इस पूरी एक्सरसाइज का यही है बस, और जिसको ये चीज क्लियर है नो डाउट उसको ये एक्सरसाइज क्लियर है कि पावर में एक्स या वाई ये लोग आएगा भी, हमें रुक के बस एक बार ये सोचना है कि लोग डायरेक्ट आएगा या नहीं आएगा बस। तो यहां लोग डायरेक्ट आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां अगर लोग हम लिखेंगे तो यहां फॉर्मूला बनता है लोग एम प्लस एन, और वो कोई फॉर्मूला नहीं है। क्लियर, मुद्दा सिर्फ यही है एक्सरसाइज का, क्लियर हो गया लोग डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहे यहां। ओके, तो बेटा इसको यू मानो और इसको वी मानो। तो हम लिख देंगे सेवंथ क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, पहले तो हमने लिख दिया भाई लेट यू इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर टेन एक्स, यू हम लोग ये मान लेंगे कि यू इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर टेन एक्स, और v हम लोग क्या मान लेंगे cos x की पावर secant x, v हम लिख लेंगे cos x की पावर secant x। तो अब इसको क्या माना आपने u और इसको क्या माना v, तो y किसके इक्वल, u प्लस v, y इज इक्वल टू u प्लस v। आपको फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी होती है dy by dx, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx du by dx plus dv by dx, फर्स्ट इक्वेशन। अब आप इस रूप पे हैं, इसमें आपको कंफर्म पावर में x दिखाई दे रहा है, कंफर्म पावर में x दिखाई दे रहा है, तो आप सोचिए क्या यहां लोग, अच्छा लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो आएगा आएगा, अब सोचो क्या इसमें डायरेक्ट लोग ले सकते हैं हम, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम यहां लोग लेते हैं तो लोग का कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, पावर फॉर्मूला। तो यहां पे लिख देंगे बेटा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग। ओके, तो जब हम यहां पे लॉग लेंगे तो ये क्या बन गया भी लॉग, इधर हम लिख देंगे भी लॉग साइन एक्स की पावर टेन एक्स, लॉग साइन एक्स की पावर टेन एक्स,
अब यहां लोग का कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, पावर फॉर्मूला, तो हम इस पावर को आगे ले आएंगे कि जो पावर इसको आप आगे ले आओ, तो पावर आगे आके क्या हो गई टेन एक्स। क्लियर है सभी ये बात कि भाई यहां पावर में एक्स वाई है, यहां पावर में क्या है एक्स है, तो लोग ले सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहां लोग का पावर फॉर्मूला लग सकता है, तो पावर आगे ले। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट, क्यों, क्योंकि वी हैव टू फाइंड डी यू बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि भाई आप इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट, तो लोग यू का क्या डेरिवेटिव होगा वन बाई यू, यू का डी यू बाई डी एक्स, लोग यू का वन बाई यू और यू का डी यू बाई डी एक्स। ओके, इसका डेरिवेटिव किससे करना चाहेंगे आप, प्रोडक्ट रूल से, प्रोडक्ट रूल से, तो भाई टेन एक्स एज इट इज रहेगा पहले, पहले टेन एक्स एज इट इज, किसका डेरिवेटिव इसका, पहले टेन एक्स एज इट इज इसका डेरिवेटिव, फिर ये एज इट इज टेन एक्स का डेरिवेटिव, तो पहले ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, लॉग एफ एक्स वन बाई एफ एक्स, log एफ एक्स वन बाई एफ एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव इस एफ एक्स का cos x, क्लियर है सभी ये बात, पहले tan x एड थी इसका डेरिवेटिव, तो log एफ एक्स वन बाई एफ एक्स, फिर इस एफ एक्स का cos x, फिर प्लस में हम पहले भी log sin x एड थी, log sin x एज इट इज इसका डेरिवेटिव tan x का sec square x, tan x का क्या डेरिवेटिव होगा sec square x। क्लियर है सभी। अब आप क्या करेंगे इस u को यहां क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, sin x की पावर tan x, u की वैल्यू होगी साइन एक्स की पावर टेन एक्स इन टू, यू लिख दिया यहां पे टेन एक्स को, ये जो टेन एक्स था इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कोस एक्स, साइन एक्स बाई कोस एक्स कैंसिल, तो क्या बचा बेटा वन, प्लस में क्या बचेगा सेक्स स्क्वायर एक्स, और इन टू में क्या बचेगा लॉग साइन एक्स, तो ये आपकी किसकी वैल्यू होगी यहां से यहां तक डी यू बाई डी एक्स, और इस डी यू बाई डी एक्स को आप यहां, क्लियर है यहां तक कि भाई यहां पे आप लोग क्यों लगा पाए, क्योंकि यहां लोग का पावर फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता था, तो हमने लोग ले सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल सेम लाइन पे, हम किसको सोल्व कर सकते हैं बेटा वी को, कि वी कैन फाइंड डी वी बाई डी एक्स, हम यहां पे क्या फाइंड कर लेंगे डीवी बाई डी एक्स, और उस डीवी बाई डी एक्स को हम यहां पुट कर लेंगे। तो अब आप ये देखो क्या इस बी में पावर में एक्स है, बिल्कुल है, पावर में एक्स दिखाई दे रहा है बिल्कुल, तो क्या यहां पे लोग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं लोग, क्यों ले सकते हैं लोग, क्योंकि यहां लोग का पावर फॉर्मूला लग सकता है, तो लोग लेंगे बेटा यहां पे, तो हम लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लोग लेते हैं, तो यहां हम लिखेंगे भी लोग भी, यहां हमने लिखा भी लोग कोस एक्स की पावर सीकेंट एक्स। अच्छा ये फिर बताइए यहां लोग डायरेक्ट क्यों नहीं ले पाए हम, क्योंकि यहां लोग का सम का फॉर्मूला लगेगा और वो भी होगा क्योंकि वाई लोग के सम में है, तो डायरेक्ट लोग नहीं आए, और जब डायरेक्ट नहीं आए तो अच्छे से फिक्स कर लीजिए माइंड में, इसको U मानो इसको V मानो, फिर ये लिखो और फिर फाइंड आउट। अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा पावर, इस सीकेंट एक्स पावर को हम आगे ला सकते हैं, पावर फॉर्मूला क्या कहता है पावर आगे लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू X, तो log V का क्या डेरिवेटिव होगा वन बाई, और v का क्या होगा भाई डी वी बाई डी एक्स, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log v वन बाई वी, फिर v का डी वी बाई डी एक्स, इसका नो डाउट किससे करेंगे भाई प्रोडक्ट, दो की प्रोडक्ट होगी,
तो पहले हम ये कहेंगे भी secant x है जो थी, secant x है जो थी, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या कहेगा भी log fx 1 by fx, तो 1 by cos x, फिर इसका डेरिवेटिव इस fx का, तो cos x का डेरिवेटिव minus sin, पहले ये है इट इज इसका डेरिवेटिव, तो log fx 1 by fx, फिर इस fx का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस, फिर हम कहेंगे भी log cos x है इट इज, log cos x है इट इज किसका डेरिवेटिव sec x का, sec x into tan x, sec x into tan x, you will learn this. अब आप चाहें तो इसको साइन बाई कोस को क्या लिख सकते थे टेन एक्स, तो ये क्या हो जाता सेक एक्स टेन एक्स, दोनों से क्या हो जाता कॉमन, वो आप कर सकते हैं। वी को यहां क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां किसकी वैल्यू लिखेंगे वी की, दिस वन, तो यहां वी की वैल्यू लिखेंगे आप कोस एक्स की पावर सीकेंट एक्स, तो ये आपकी किसकी वैल्यू हुई डीवी बाई डी एक्स, तो उसको बेटा आप यहां दिस इज योर डीवी बाई डी एक्स, उसको आप यहां लिखे तो व्हाट विल यू गेट डी वाई बाई डी एक्स। तो इस पूरी एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चंस में आपका यही कॉन्सेप्ट लगना है जो आपने अभी पढ़ा फिफ्थ और सेवन्थ, कि अगर आपको कहीं भी लगे कि पावर में क्या दिखाई दे रहा है एक्स या वाई, पावर में दिखाई दे रहा है एक्स या वाई, और आपको लगता है कि भी वहां डायरेक्ट लोग सॉरी पावर में एक्स वाई का लोग तो आए गए है, फिर आपको एक बार रुक के सोचना है क्या लोग यहां पे लगाने पे क्या लोग का फॉर्मूला कोई डायरेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है, और अगर वहां फॉर्मूला लग रहा है तो आप डायरेक्ट लोग ले लीजिए, नहीं लग रहा लोग का कोई फॉर्मूला तो ऐसे ही यू वी मान के सो करना। देखिए अब आपके पास ये सिक्स क्वेश्चन है, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है पावर में एक्स या वाई तो लोग आएगा, कभी भी पढ़ो बेटा डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो, डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको यह लग रहा है कि भी पावर में एक्स या वाई है तो लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आएगा ही आएगा, बस आपको सोचना यह है कि लोग डायरेक्ट आएगा, ये चीज है बस मेन मुद्दा ये है। तो अब आप ये देखिए यहां पावर में एक्स है तो लोग आएगा, बिल्कुल आएगा, अब रुक के आप ये सोचो, रुक के ये सोचो क्या यहां लोग डायरेक्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है यहां लोग डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि यहां कोई सम नहीं है भाई, डिफरेंस नहीं है, यहां प्रोडक्ट है और लोग का प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सिक्स क्वेश्चन में हम क्या कहेंगे भाई डायरेक्ट हम लोग ले सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, कि भाई डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं, क्लियर हुआ, क्यों डायरेक्ट लॉग ले पाए, क्योंकि यहां लॉग का प्रोडक्ट फॉर्मूला लग सकता है, यहां लॉग का किसका फॉर्मूला सम वो होता ही नहीं, तो हमने यू और वी मान के सोल्व किया, यहां डायरेक्ट लॉग क्यों आया क्योंकि भाई लॉग का प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है तो हम यहां डायरेक्ट लॉग ले पा रहे हैं, तो लॉग लेने तो ये क्या हो गया बेटा लॉग वही, इधर हम कैसे लिख देंगे भाई लोग x की पावर cos x इनटू में क्या लिख देंगे cos x की पावर x। अच्छा अगर यहां सम होता तो ले पाते लोग, नहीं डिफरेंस होता नहीं, प्रोडक्ट है तो बिल्कुल, क्योंकि लोग का प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। अब आप इसको क्या मानेंगे m और इसको n, तो विच फॉर्मूला यू आर अप्लाई लोग m है, तो भाई लोग एम इन फॉर्मूला होता है बेटा लोग एम और प्लस लोग एम, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए लोग एम प्लस लोग एम, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां लोग एम, तो लोग एक्स की पावर कोस एक्स, प्लस में क्या लिखेंगे बेटा लोग एन, तो लोग कोस एक्स की पावर एक्स, अब आप इन दोनों पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो पावर फॉर्मूला, पावर आगे ला सकते हो, तो अब हम यहां लिखेंगे भी log y, पावर आगे ले आएंगे तो क्या हो गया cos x, यहां हो गया भी log x, यहां पावर x आगे आ गई तो यहां क्या बच गया बेटा log cos x, क्लियर
क्लियर है कि यहाँ डायरेक्ट लोग क्यों ले पाए, क्योंकि यहाँ अगर लोग ले पाते हैं तो लोग का प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगता है लोग एमएन का, तो हम डायरेक्ट ले रहे हैं भी लोग। यहाँ क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि यहाँ सम है भी और लोग का सम का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब आपको सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो देखिए अपना ध्यान से, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब हम इसको लिख देंगे भी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लोग वाई का डेरिवेटिव होता है वन बाई वाई, वाई का क्या हो गया बेटा डी वाई बाई डीएक्स, लोग वाई का वन बाई वाई, वाई का डी वाई बाई डीएक्स। इसका आप किससे करना चाहेंगे, प्रोडक्ट टू ब्रैकेट प्रोडक्ट टू, पहले कोस एक्स है दैट इज लोग एक्स का वन बाई एक्स, फिर प्लस में लोग एक्स है दैट इज कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, कि पहले कोस एक्स है दैट इज लोग एक्स का वन बाई एक्स प्लस में लोग एक्स है दैट इज कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। इसका भी किससे करना चाहेंगे, प्रोडक्ट टू, कि पहले एक्स है दैट इज, पहले एक्स है दैट इज लोग एफ एक्स वन बाई एफ एक्स, तो वन बाई कोस एक्स, फिर इसका इस एफ एक्स का तो कोस एक्स का बेटा माइनस साइन एक्स, फिर प्लस में हम कहेंगे भी लोग कोस एक्स है दैट इज, लोग कोस एक्स है दैट इज और एक्स का वन, एक्स है दैट इज लोग एफ एक्स वन बाई एफ एक्स, फिर इस एफ एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर प्लस में ये है दैट इज और एक्स का। अब हम क्या करेंगे कि इस वाई को इधर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, और अब ये जो किसकी वैल्यू थी वाई की उसको यहां पुट अप कर दो, कि अब यहां किसकी वैल्यू पुट कर दो वाई की, कि पुट वाई वो अपना यहां। तो बेटा आपको इस एक्सरसाइज में मेन कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका है दो लेक्चर्स के बाद, कि भाई हमें कभी भी डिफ्रेंशिएशन के किसी भी क्वेश्चन में पावर में एक्स या वाई दिखाई देगा तो हम वहां पे सोचेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वहां लोग लेंगे, जब हम वहां पे लोग लेंगे तो एक बार रुक के हम वहां पे ये सोचेंगे कि जब हम यहां पे लोग ले रहे हैं तो क्या लोग का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। जैसे इसमें लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया तो हमने यहां डायरेक्ट लोग ले लिया, प्रोडक्ट फॉर्मूला लग रहा था, इसमें डायरेक्ट लोग लगा पाएंगे हम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहां पे सम है और लोग का सम का कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है, तो इसको मान के यू और इसको मान के वी अलग अलग सोल्व करना होता है। और जिसको ये बातें क्लियर है उसको डेफिनेटली बेटा ये एक्सरसाइज आराम से समझ में, तो जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन है जो आप इस वे से कर सकते हो, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो कुछ अलग है जो डिफरेंट है। अदरवाइज बेटा मेन मुद्दा जो इस एक्सरसाइज का था मेन डिस्कशन वो क्लियर हो चुका है आपको, ठीक है। तो आप इतना ही पढ़ेंगे बेटा, प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है, और अच्छे से रहे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।